आरोग्य जागृति। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेयस रुणवाल, कार्डियक सर्जन और डायरेक्टर डॉक्टर रुणवाल हृदय हार्ट केयर सेंटर पे। हमने एक कार्डियो डायबिटिक कैंप रखा है, ये अभी फेज टू है। वर्ल्ड डायबिटीज जैसे 14 नवंबर को हो रहा था, फेज वन था, अभी फेज टू है कैंप का। मेनली 70% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की डेथ कोरोनरी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ही होती है, इसलिए इन लोगों 50 ईयर्स प्लस जो रहते हैं, इनको डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ब्लड टेस्ट रखा है, ECG, 2D, ECO, और ज़रूरत पड़े, सिम्टोमेटिक रहे तो हम कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करेंगे। इसका पैकेज हमने रखा है 3,800 रुपीज़ का, मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठाइए। फर्स्ट टू फिफ्थ ऑफ दिसंबर ये कैंप है। सर, दिन ब दिन डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं और कार्डियक के उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनको क्या सजेशन देंगे आप? डायबिटीज़ में आर्टरी में जो ब्लॉकेज रहता है वो एक जगह नहीं रहता है, 1 से 3 जगह ब्लॉकेज रहता है, और जो डायबिटीज़ में नर्व डैमेज हो जाते हैं, इसलिए फर्स्ट सिम्टम कभी भी छाती में दुखना ऐसा बहुत रेयरली होता है। मेनली इनको दम, सांस लगने की जो तकलीफ़ है वो डायरेक्टली सेकेंड स्टेज में समझ में आता है, इसलिए एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 50 ईयर्स प्लस मेरे हिसाब से एंजियोग्राफी वो भी अ गुड स्टैंडर्ड। सर, डायबिटिक पेशेंट ने प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए और कौन से टाइम में कौन सा टेस्ट करना चाहिए और कितने दिन में करना चाहिए? ठीक है, एवरी 3 मंथली फास्टिंग और पोस्टमेन शुगर करना चाहिए, और HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो टेस्ट है वो डेफिनेटली करना चाहिए, वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, और HbA1c 6.5 के रेंज में रहना चाहिए, 6-7 के रेंज में रहा सो डायबिटीज़ आपका कंट्रोल और उसके ऊपर रहा सो डेफिनेटली आपको इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लगेगा। सर, हृदय हॉस्पिटल में जो कार्डियक के बारे में स्पेशलिटी, ऐसा क्या एडवांस ट्रीटमेंट अपने पास होता है? ठीक है, ये डेडिकेटेड हार्ट सेंटर है, जो भी एडवांसेस आप मुंबई दिल्ली में एक्सपेक्ट करते हो वो एडवांसेस हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास 4D को मशीन है जो पूरे मराठवाड़ा में सिर्फ रिनवाल हृदय हॉस्पिटल पे है, इससे TMT करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली हम ग्लोबल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं जिस वजह से समझ जाता है कि ब्लॉकेज रहेगा या नहीं, और फिर पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए सब्जेक्ट करते हैं। फिर एंजियोग्राफी के लिए जो कैथ लैब मशीन है हमारा, वो फिलिप्स अजूरियन 3 है, वो जो को रजिस्टर्ड इंट्रासाइट 7 के साथ है, ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी है महाराष्ट्र के अंदर, इंट्रासाइट 7 और IFR, ये भी सिर्फ महाराष्ट्र में हमारे पास ही अवेलेबल है। सो जो भी एडवांसेस, रीसेंट एडवांसेस हैं, दे आर अवेलेबल एट दिस सेंटर। हम बाईपास सर्जरी भी करते हैं, तो साइड होल से भी वो ऑप्शन रहता है, और साइड होल से यानी बिना चीरा दिए इसके ऊपर, हड्डी के ऊपर, बिना हड्डी को तोड़े हम बरगड़ियों के बीच में से जाके ऑपरेशन करते हैं, इससे पेशेंट की रिकवरी ज़्यादा फास्ट होती है, और ये ज़्यादा रिकमेंडेड है डायबिटिक पेशेंट्स। सर, डायबिटिक पेशेंट और कार्डियक पेशेंट, इनके रिलेटिव ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट बताता है कि भाई छाती में जलजल हो रही है तो ईजी लेते हैं, इनको क्या संदेश देंगे आप? किसी भी एसिडिटी, जलजल, धड़धड़ और दम लगना, ये हमारे पास रहता है कि भाई ये एसिडिटी की वजह से है, ये एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ इसलिए। सो खुद इवैल्यूएशन ना करते हुए अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके इवैल्यूएट करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैन, ये हमारे कवर साहब है, इनको परसों थोड़ा सा चक्कर आ गई थी, लकीली पेपर में हमें आपको पढ़ने में आया क्या कैंप है, तो उस बहाने फिर हमने चेकअप के लिए लेके आ गए। डॉक्टर साहब ने पूरा चेकअप बहुत अच्छा किया, क्या क्या मेडिसिन लेना है, क्या क्या नहीं, अभी वो बोलेंगे हमको पूरा, उन्होंने एक्सप्लेन ओवरऑल अच्छा व्यवस्थित किया। सर, ये हृदय हार्ट केयर में आपको सर्विसेज के बारे में, एडवांस के ट्रीटमेंट के बारे में क्या बताएंगे आप? अभी तो हमारा जो हुआ है एंजियोग्राफी, वो यानी हमने पहली बार लाइफ में देखा क्या इतना हार्ट इतना अच्छा देख सकते हम स्क्रीन पे। डॉक्टर साहब ने पूरा हमको स्क्रीन पे सभी चीज़ें दिखाई, कहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने पिन पॉइंट करके दिखाया, और बाकी ओवरऑल स्टाफ भी यहाँ पे क्लीनलीनेस, नीटलीनेस और वर्किंग बहुत अच्छी है। सर, लोगों में एक गलतफहमी है कि एंजियोग्राफी बहुत बड़ा सर्जरी है, तो आप क्या बताएंगे जनता को, क्या बोलेंगे आप? एंजियोग्राफी ये एक प्रकार की टेस्ट है, जो हम खून की टेस्ट करते हैं वैसी एंजियोग्राफी भी एक टेस्टिंग है। इससे आपको मालूम पड़ता है क्या किधर क्या प्रॉब्लम है, आगे क्या करना, उस पे से डॉक्टर साहब वो डिसीजन ले सकते हैं। ये हमारा रिव्यू इसके बारे में ऐसा निकला। अभी आपके पेशेंट का एंजियोप्लास्टी हुआ है, और आपको कितना टाइम में, कितने पेशेंट जल्दी आप बात कर रहे हो, कितना टाइम लगा आपको? नहीं, वो तो नॉर्मली यानी बाहर निकले तो बात चालू हो गई ना, यानी कहीं भूल दिया ऐसा हमको तो नहीं लग रहा है,
लोगों में गलत फहमी है कि भाई एंजियोप्लास्टी बहुत बड़ा सर्जरी होता है, तो आपको कैसा बोलना चाहेंगे? इट इज नॉट एट ऑल अ सर्जरी, इट इज ओनली टेस्टिंग, पार्ट एंड पार्सल ऑफ टेस्टिंग। जैसा भाई डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके अपना हार्ट बीट चेक करता है, वैसा एक थोड़ी एडवांस मशीनरी और वो चेक करके दे रहे हैं। ओके सर, मेरा नाम योगेश नाहर है, पुणे से आया हूँ। मुझे ये जीवन दया कैंप के बारे में पता चला पेपर में से, आज मैं इधर आया हूँ। पहले से अभी थोड़ा बेटर हो, इधर अच्छी ट्रीटमेंट हो गई है और इसके लिए डॉक्टर के वेरी वेरी थैंक्स। सर आपको क्या तकलीफ थी पहले, क्या हो रहा था? मुझे चक्कर आई थी, मैं गिर गया था, तो इसलिए यहाँ पे एंजियोग्राफी की है, उसमें भी पता चला है, तो इसके ऊपर मेडिसिन देने वाले। ओके थैंक यू। कैंप के बारे में क्या बोलेंगे आप, कैसा लग रहा है हॉस्पिटल, सर्विस के बारे में क्या बोलेंगे? सर्विस तो एक नंबर है, डॉक्टर एक नंबर है, सब सारी चीज़ें एवन है और यानी दिक्कत किधर भी नहीं। थैंक यू सर। आरोग्य जागृति।